नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव सविता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करें बहुत ही हेल्पफुल वीडियो जो आपके बहुत ही काम आने वाली है और काम के साथ साथ बहुत ही आपका टाइम भी बचाएगी और आपकी गैस भी बचाएगी। एक साथ राजमा और ये चावल हम बनाएंगे, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और स्टेप बाई स्टेप इसी तरीके से आप भी जरूर बना के देखिएगा। बहुत ही अच्छी ये राजमा और चावल बनते हैं और बहुत ही टाइम भी बचता है। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं और बहुत ही अच्छी राजमा भी बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर राजमा ली है जिसको मैंने रात में भिगो दिया था, अभी मैं मॉर्निंग टाइम में बना रही हूँ। तो राजमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अभी इसमें यहाँ पर कुकर लेंगे, कुकर में डाल देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर पानी डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी लिया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिया है। आपको ये करना, जैसे जितनी राजमा डालें ना, राजमा में इतना पानी डालें कि राजमा अच्छी तरह से पानी में डूब जाए, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं, तो चावल को भी हम साथ में ही बनाएंगे इसी कुकर में। तो चलिए बना लेते हैं। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जो कुकर में अच्छी तरह से बंद करें ना ढक्कन, तो अच्छी तरह से आना चाहिए, वो बर्तन आप यूज करें। तो यहाँ पर मेरे पास ये छोटे वाला लोटा है, इसमें मैं चावल को डाल दूंगी। अभी यहाँ पर मैंने चावल को 2 बार पानी में धो लिया था अच्छे से, उसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पर। तो देखिए, मैंने लोटे में ये चावल डाल दिए हैं। अभी इसमें हमने पानी डालना है, तो पानी हम जितने चावल लेंगे ना, उतना ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी इसके अंदर पानी डालेंगे। 1 कटोरी थोड़ी सी मैंने ऊपर तक नहीं भरी थी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और डाल देती हूँ मैं इसमें। ये देखिए, आप ये ध्यान रखिए, जितने चावल डालें उसी उतना ही पानी इसके अंदर सेम डालें। देखिए, पानी डाल दिया मैंने। अभी थोड़ी सी जगह कर लेते हैं जहाँ पर ये बर्तन अच्छी तरह से ना रख दें, ताकि जो राजमा है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए, आप साथ में यहाँ पर आलू भी बॉईल कर सकते हैं, साइड में रख दें तो आलू भी बॉईल हो जाएंगे। तो भी ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी आने तक इन्हें पकने देंगे। आप इसी तरह से दाल भी बना सकते हैं, कोई भी दाल और चावल वो भी बन जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुकर को खोल दिया है और ये देखिए, चावल बहुत ही अच्छे से ना बन चुके हैं, बिल्कुल भी इनमें एक्स्ट्रा पानी नहीं रहा है और बहुत ही अच्छे से ना पक चुके, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए, तो चलिए चावल को निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको राजमा भी दिखाती हूँ। देखिए, राजमा भी बहुत ही अच्छे से ना पक चुकी है, देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। अभी ना राजमा को एक बर्तन में निकाल लेंगे और चलिए इसे अच्छी तरह से हम बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर निकाल ली है। अभी यहाँ पर गैस पर मैंने कुकर रख दिया है, तो यहाँ पर इसमें 2 चम्मच यहाँ पर तेल डाल दिया मैंने, आप घी भी यूज कर सकते हैं। अभी इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, साथ में यहाँ पर हींग भी डाल देंगे थोड़ी सी, और यहाँ पर प्याज लिया मैंने कटा हुआ, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अभी अच्छी तरह से ना प्याज को हम सुनहरा कलर आने तक अच्छी तरह से पका लेंगे, 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए, यहाँ पर प्याज भी पिंक हो चुका है। अभी यहाँ पर इसमें ये मैंने 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च और लहसुन अदरक साथ में पीस लिया था, इसे डाल देंगे। साथ में मसाले भी ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अभी सारे मसाले और जो हमने ये टमाटर डाले हैं ना, इसे अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि ये कच्चापन है, जैसे टमाटर डाले वो भी कच्चे हैं और ये जो मसाले डाले इनको भी बहुत अच्छे से पकाना है। जब इसमें साइड साइड से ऑयल छूटने लगे, तब तक आपको इसे पकाना है। अभी इसमें पानी ऐड कर देंगे, यहाँ पर 1 गिलास मैंने पानी डाला है। अभी अच्छी तरह से मिला देंगे और इसमें 1 उबाल आने देंगे। इस तरह से आप राजमा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी वाली राजमा बनकर तैयार होगी। अभी देखिए, मैंने हाफ तो डाल दी है, थोड़ी सी राजमा मैंने बचा ली है। इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। देखिए, इसके जो पीस हैं उसको ऐसे तोड़ लेना है, इससे क्या होगा, जो ग्रेवी बनाएंगे ना राजमा में, वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए, ऐसे तोड़ लेंगे, बिल्कुल जो राजमा बनेगी उसमें पानी होता है, जो हम ग्रेवी तैयार करते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम थिक बनेगी। तो ऐसे आप ज़रूर से तोड़ें कुछ पीस। अभी डाल देंगे इसके अंदर
और अच्छे से मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अभी यहाँ पर मेरे पास ये राजमा मसाला है, ये इसके अंदर मैं डालती हूँ एक चम्मच। आप इसकी जगह गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास हो। अभी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अभी इसे ढक्कन लगाकर दो सीटी आने देंगे। दो सीटी में बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। तो चलिए, दो सीटी आने के लिए मैंने रख दी है। अभी यहाँ पर दो सीटी आने के बाद ये देखिए, मैंने कुकर को खोला है और देखिए, आपको देखने से ही लग रहा है कितनी अच्छी राजमा बनी है और ग्रेवी बहुत ही अच्छी थिक बनी है इसकी। अभी ऊपर से यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे चावल के साथ सर्व कीजिए या फिर आप इसे रोटी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही अच्छी राजमा बनती है, तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। राजमा बहुत ही अच्छी बनेगी, देखिए बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे चावल भी बनकर तैयार है और ये राजमा भी बनकर तैयार है। एक साथ राजमा और ये चावल बनकर तैयार हुए हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनकर तैयार होते हैं। और इसमें टाइम की भी बचत होती है और इसमें गैस की भी बचत होती है। तो आप भी एक बार इसी तरीके से ये राजमा और चावल बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे और सभी को पसंद आएंगे। तो ये लीजिए, चावल और राजमा बनकर तैयार हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।